चलो ठीक है। पवन अपना क्या बोलते हैं कैमरा बंद कर सकते हो, ठीक है, कंफर्टेबल रहोगे। चलो ठीक है जी, अभी हम लोग क्या है, हम लोग को इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन इन द सेंस कौन क्या करता है, क्योंकि करियर बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम हैं कहाँ पर और पहुँचना कहाँ पर है, इसलिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन सभी लोग का चलेगा। और इंट्रोडक्शन में मीन्स जस्ट यू कैन जस्ट टेल योर नेम, योर कॉलेज नेम, पास आउट ईयर एंड वेर यूर फ्रॉम, कहाँ से हो आप, जस्ट ऐसा इंट्रोडक्शन दोगे तो हम लिख के रखते हैं, उससे हेल्प मिलती है कि अच्छा ठीक है अभी ये इस स्टेज पे है, इनको इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। याद रखो जो जितना जिसका कैरियर गैप ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये फिक्स रहता है, एक चीज़ वो समझेंगे। दूसरा चीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, मीन्स व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग्स क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। और फिर कल से आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी जो कि आपके यूनिक सिविल ऐप में होंगी, कैसे उस ऐप में ऐड होना है, क्लास के बाद एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना। और रेगुलर हमारी क्लासेस जो है वो ऐप के अंदर ही होंगी, सिर्फ और सिर्फ जो मॉक इंटरव्यूज होंगे वो गूगल मीट पर होंगे, सो दैट कि आपसे मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकूँ, आप कैमरा ओपन करो तो डायरेक्ट हम देख सकें कि आपका कैसे माइंड चल रहा है। अब समझो कि गुरुकुल में क्लासेस कैसे चलने वाली है, ठीक है, शायद कुछ लोग को थोड़ा बहुत ना पता हो, सबको ऐसे पता है, हम यहाँ पर आपको डेली 1.5 घंटा टीच करेंगे, इसके बाद 1.5 घंटे का आपको अलग से रिकॉर्डिंग सेशन देंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, प्लस उसके बाद 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में, कभी ज़्यादा कभी कम, 2 घंटे पकड़ के चलो, प्रैक्टिस सेशन होगा, मीन्स आपको असाइनमेंट्स दूंगा, आप उसको सबमिट करेंगे। याद रखना आप मिस मत करना, ठीक है, मिस इन द सेंस कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करना, बिलीव करो वहीं पर सक्सेस रुक जाती है जहां पर हमारी कंसिस्टेंसी रुक जाती है। तो कोशिश ये करना कि जिस दिन जो असाइनमेंट्स दिया जाए जी के मर के कर डालेंगे, ठीक है। मेरे से एक लड़के ने बोला सर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो मैंने उसको बोला कि मैंने जो मैं करता था वो मैंने उसको बताया, मैंने कहा तुम कुछ मत करो, बस इतना याद रखो कि रात का खाना मैं तब खाऊंगा जब सर का असाइनमेंट्स हो जाएगा, अपने आप असाइनमेंट्स हो जाएगा और आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं सबका, कौन क्या करता है, ठीक है, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की जर्नी में चलेंगे, और उसके बाद जो भी आपके सवाल जवाब रहेंगे वो करेंगे। कल से सेम 9 o'clock पे हम लोग की क्लासेस कंटिन्यू यूनिक सिविल ऐप पर चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट डे जस्ट इंट्रोडक्शन, और सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं है, ऑटोकैड से स्टार्ट होगी ये जर्नी, तो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर मैक्सिमम लोगों के पास होता है, जिसके पास नहीं है मैसेज कर देना कि सर मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, डाउनलोड प्रोसेस भेजूंगा, आराम से आप डाउनलोड कर लेना। तो चलो क्या बोलते हैं पवन से स्टार्ट करते हैं, पवन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये बैच को स्टार्ट करने के लिए। चलिए पवन, पवन जस्ट अपना इंट्रोडक्शन देना है एंड योर यस नेम, ठीक है। ओके यस सर, ओके। ओके माय नेम इज पवन भट्ट एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद एंड आई कंप्लीटेड माय सिविल इंजीनियरिंग इन 2021 एंड नाउ आई एम 21 प्लानिंग नाउ नाउ आई एम प्लानिंग फॉर एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ग्रेट, ओके। एंड 21 से कुछ किया अभी तक में पवन? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस ओके आईएलटीएस टू यू ईयर गोल वांट टू गो आउटसाइड या बट फैमिली रीजन आई कांट गो। ओके सो ये प्लानिंग इज चेंज राइट नाउ। ओके ग्रेट, सो लाइक एनी टेक्निकल स्किल्स लाइक यू लर्न बिफोर दिस, लाइक कुछ भी ऐसे थोड़ा बहुत सर सी? आई टेक 4 month AutoCAD classes but they only teach a basic not of civil engineering 4 month but okay only 1 hour and they just teach that how to draw line and this. ओके नो इशू, ठीक है चलेगा, थैंक यू पवन। नाउ मोहम्मद अली, अली ऑन योर माइक एंड लेट्स जस्ट टेल यू अबाउट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड। माय नेम इज मोहम्मद अली अंसारी, आई एम फ्रॉम बिहार, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। आई हैव डन माय स्टडी इन बिहार बोर्ड एंड बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम भोपाल पीपल्स यूनिवर्सिटी एमपी। एक्सपीरियंस 6 month इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एज अ साइट इंजीनियर एंड 1 year इन इंटीरियर डिजाइन लाइक 3D मॉडलिंग, 2D ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। थैंक यू। ओके सो लाइक योर पास आउट ईयर, पास आउट ईयर 2021। अच्छा, और कुछ सीखा इसके बीच में, जैसे इंटीरियर करते थे तो मॉडलिंग वगैरह सीखा होगा? सर आपसे ही सीखा था। अच्छा, वो जो ऑल इन वन से जो सीखा,
नहीं, उससे पहले मैं थे। अच्छा, हाँ, तो बेसिक चीज़ तुमने सीखा हुआ है ना, चल बढ़िया, ठीक है। अली तो क्या बोलते हैं, अपने प्रीवियस स्टूडेंट हो गए। चलो पृथ्वीराज, सॉरी पृथ्वीराज, हेलो, हेलो। यस पृथ्वीराज, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। सर इट इज नॉट अ पृथ्वीराज, इट इज अ प्रतिराज। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, प्रतिराज ना। ओके ओके हाँ, मित्र, बोलो। माय नेम इज प्रतिराज वज्रोत्तवन। आई एम फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र। आई ओके, कंप्लीटेड माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग इन 2020। फ्रॉम 2020 आई हैव प्रिपेयर फॉर स्टेट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन। इन लास्ट मंथ आई हैव गिवन मेंस एग्जामिनेशन। नाउ आई एम ट्राइंग टू ओके, यू आर बिल्ड माय ट्राइंग करियर दिस, इन स्ट्रक्चर्स फील्ड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस, वी टॉक अबाउट दैट राइट ऑन कॉल आल्सो। यस। ओके, सो यू लर्न बिफोर दिस समथिंग इन कॉलेज, लाइक लिटिल बिट अबाउट ऑटोकैड और स्टैट, वो कुछ तो सीखते ही है कॉलेज में, कुछ यस सीखा? यस यस आई यस वी लर्न इन आवर कॉलेज। दे आउट दे टीच अस आई टैब्स एंड स्टैट प्रो एंड ऑटोकैड आल्सो, बट इट इज इन बेसिक बेसिक लेवल ओनली। बेसिक लेवल, वो मतलब एक फैमिलियर है इस चीज से, बस वो जानना होता है। यस ओके यस ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच पृथ्वीराज। नाउ थैंक यू सर। ओके जी, जय पाटिल। यस सर, यस जय, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय गुड नेम इज जय मॉर्निंग। पाटिल। ओके आई हैव डन बीइंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग इन 2022 फ्रॉम खारघर नवी मुंबई, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। आई एम डूइंग नाउ दिस कोर्स। ओके दैट्स इट। ओके, ये कुछ सीखा तो तुमने भी बीच में कभी ऑटोकैड वगैरह कभी ऐसे नहीं नहीं? सर, कॉलेज में सीखा था। ओके, वही कॉलेज में जस्ट देखा होगा, होगा सीखते कहाँ है यस कॉलेज में लोग। सर, ठीक है सर, कॉलेज में क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में होते हैं, यस और सर, प्लस सिखाने वाला भी मस्ती के मूड में ही सिखा के चला जाता है, और हम सीखने वाले भी ऐसे ही रहते हैं। चलो यस सर, कोई बात नहीं। अजय, मिस्टर अजय चौहान। हेलो। हेलो, यस अजय, हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड माय नेम इज अजय चौहान। आई एम फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। ओके, आई हैव डन माय सिविल इंजीनियरिंग इन 2022 20। आई एम द पास आउट ऑफ 2020 बैच। एंड फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग विद अंडर एन आर्किटेक्ट एज अ साइट इंजीनियर एंड एज अ डिजाइनर। सो आई ओके, हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ ऑटोकैड तो तुम डिजाइनर के तौर पे ऑटोकैड पे ड्राफ्टिंग कर रहे थे कुल मिला के, ड्राफ्टिंग सॉरी ड्राफ्टिंग एंड लिटिल बिट ऑफ स्केचअप मॉडलिंग। मोर इन टू आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट थे, अभी स्ट्रक्चर यस सिखा सर। रहे हो, ठीक हाँ है। जी यस एग्जैक्टली। स्केचअप भी सीखा हुआ है, मेरा तो स्केचअप पे ज़्यादा सीखा कोई नहीं नहीं है, मतलब है, जैसे बेसिक बेसिक है। बेसिक स्केचअप पे नॉट ज़्यादा द काम नहीं, रेंडरिंग पार्ट। एक्चुअली स्टैट का अपने को ज़्यादा काम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, सो आई वांट चलो टू स्विच माय करियर टू टुवर्ड द हो जाएगा, स्ट्रक्चर पार्ट। ठीक है। इसको बस ऐसे हम लोग चेंज करने वाले हैं इंडस्ट्री के लिए, कैसे करना है। जब मैं तुमको सिखा दूंगा स्टैट प्रो को, तो तुम ये बोलना कि हम जब काम कर रहे थे आर्किटेक्ट के पास, तो हम साइट और डिजाइनिंग दोनों संभाल रहे थे। डिजाइनिंग हम स्टैट प्रो पे कर रहे थे, साइट के लिए हम जा रहे थे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है पुराना वाला, वो इंडस्ट्री के सामने पॉजिटिव माइनस हुआ है। भाई स्टैट प्रो तुम्हें सिखाई देगा है ना, तो तुम्हें कंपनी को कैसे एक्सप्रेस करना है आगे के लिए कि हम क्या बोलते हैं, स्टैट प्रो सीखे हुए हैं और ऑटोकैड पे काम करते थे, तो इससे क्या होता था, हम आराम से किसी को भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स करके दे देते थे, तो पॉजिटिविटी आ जाएगी ना, तुम्हारा जो ओके एक्सपीरियंस है सर, वो काउंट हो जाएगा। मैं आई टेल यू दैट, ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। चलो ठीक है। ओके, गुलजार अहमद जी, गुलजार जी आप ऑडिबल हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए शॉर्ट में, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं मौर्या जी के पास। वैसे मौर्या जी के बारे में पता है, पर आप सबके लिए जानना चाहिए इनको। शुभम अपना माइक ऑफ कर लेना। अच्छा, ये शायद ट्रैवलिंग गुड में मॉर्निंग, नहीं है। गुड हाँ, मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, ट्रैवलिंग में तो नहीं हो? नहीं, सर, ओके ठीक है, बता दो अपने पास। माय सेल्फ शुभम मौर्य। आई एम फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। करंटली आई एम इन अहमदाबाद एंड मोनार्क एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय डिजिग्नेशन इज पेम इंजीनियर एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स डिग्री इन 2021 फ्रॉम लखनऊ। एंड आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय बीम इंजीनियर कोर्स फ्रॉम सिविल यूनिक। चलेगा, ये बीम के ही स्टूडेंट हैं, इन्होंने बीम से बीम तो सीख रखा है ऑलरेडी, अब इनका इंटरेस्ट है कि स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लोर किया जाए। गुड, ऐसा होना चाहिए क्योंकि
और लाइफ में कभी भी लर्निंग की एंडिंग नहीं होती है, ठीक है। ऑलरेडी इनके पास जॉब है, ये बहुत जल्दी दूसरी जॉब में भी चले जाएंगे, प्रमोशन भी हो जाएगा, बट ही जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, दैट्स गुड थिंग्स। चलो गोविंद से बात करते हैं। यस गोविंद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ गोविंद झा। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिहार। आई हैव पास आउट फ्रॉम 2022 एंड आई हैव प्रिपेयर फॉर गेट एग्जामिनेशन एंड आई हैव सम नॉलेज ऑफ ऑटोकैड एंड एस्टैड प्रो। यस, चलो तो गेट का पेपर कैसे गया तुम्हारा गोविंद? सर बढ़िया रहा, चांस है कि एनआईटी मिल जाएगा। अरे भाई भगवान करे यार, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, चलो बढ़िया, थैंक यू। ओके जी, चलो जी, नेक्स्ट हमारे इस टीम में अभी मौर्या जी का हो गया। मोनिका, मोनिका अपना माइक ऑन करके तुम भी बता देना, फिर ज्योति प्रिया के पास आते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई एम मोनिका सुरेंद्री फ्रॉम भोपाल। I have completed in BTEC in 2017 and I completed MTEC in 2020. Correct. And you learn AutoCAD, StatPro, right? Yes, sir. Okay. Chalega. Okay, thank you, Monica. Welcome, sir. Okay. Now next is Jyoti Priya. Hello sir, good morning. Good morning. So I am Jyoti Priya Nashkur from West Bengal. Now I am studying BTech fourth year student of Meghna Sai Institute of Technology in a techno group of Macaut. Okay. इससे पहले कुछ कुछ सीखा था क्या क्या अभी तुमने ज्योति प्रिया? नहीं सर, बस क्लास में वो स्टैड ऑटोकैड ट्रास मेंबर थोड़ा सा सीखा, इससे ज्यादा नहीं देखा था क्या? हाँ चलो ठीक है, वैसे भी तुमने मास्क लगा रखा तो ज्यादा दिखा नहीं होगा। एक कोरोना टाइम का पिक्चर है। ओके, जस्ट जस्ट फॉर फन। ओके, जय पाटिल साहब सो गया। गुलजार अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, अगर आपको माइक पॉसिबल हो तो मैसेज कर दीजिएगा। सर माय नेम इज गुलजार अहमद, आई एम फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन लॉन्ग बैक इन 1997 एंड आई हैव डन कंप्लीट इन अ वे कंप्लीट माय जॉब एज़ वेल एंड नाउ आई हैव लेफ्ट द आई एम रिटायर्ड नाउ। So I had a little bit of interest in the scriptures and I was pursuing the book at friend. Now I want to do my post-retirement job as a scriptural engineer. Oh great, you are super super senior for our team, even us. Great, Gulja ji mil ke aapse acha laga. Bas mujhe ye bata dijiye apne exactly aap kya karne wale, apne business ke liye seekh rahe ho aap? Main in the first instance main kisi के साथ रहना चाहता हूँ, फिर जब अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी तो फिर देखेंगे क्या करना। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट, बट प्लानिंग फॉर कि पार्टनरशिप में अभी कुछ करेंगे एंड आफ्टर दैट खुद का अगर कुछ करना हुआ तो प्लान करेंगे। हाँ, वो भी वो। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए अभी आप लोग से के सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो गुलजार जी हैं, ही इज ट्राइंग टू लर्न इवन इन रिटायरमेंट आल्सो। दैट्स ग्रेट सर, सैल्यूट आपको, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, चलो नेक्स्ट पवन जी हो गया, ठीक है। मोस्फिक, और ये तुम अपना नेम चेंज कर दो, मोस्फिक। हेलो। ओके सर, चेंज कर देंगे। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो सर। हाँ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। गुड मॉर्निंग सर, आई एम एमडी मोस्फिक आलम, आई एम फ्रॉम कटिहार बिहार, आई हैव बीन कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम एसआरटी RGPB University Bhopal in 2021, and in last 2 years I have been done also AutoCAD and as well as STAT Pro and site work experience approx 4 months, and also AutoCAD and STAT Pro is done from you sir. And now I was preparing for civil services, but still I did not success in this. That's why I want to sit in as a structural engineer. Again. Okay, thank you so much, Mashvik. चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इंट्रोडक्शन से। मैंने क्या दो चीज सीखने को मिलता है, पहली चीज तो ये जानने का मिलता है कि किसको कितना हार्ड वर्क पे ज्यादा फोकस करना है, दूसरी चीज ये, थैंक यू, माइक ऑफ कर लेना, क्या बोलते हैं, हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली हमें किसका कितना कम्युनिकेशन लेवल है, ठीक है, कम्युनिकेशन का किसका क्या लेवल है, तो वो हमें देखने को मिलता है,
ठीक है, जस्ट फॉर थोड़ी सी मैं आपको डिस्टर्बेंस करना चाहूँगा, मेरा एक रूटीन चेकअप के लिए ब्लड टेस्ट के लिए शायद कोई आया है, जस्ट चेक करके आता हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes, सॉरी फॉर दैट, बट अभी कैसे उसका अपॉइंटमेंट 3 बजे था तो मैं जस्ट ब्लड टेस्ट करा के आता हूँ, जस्ट अ मिनट।
चलो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस फॉर पेशेंस। वो रूटीन चेकअप था और अगर लेट करते तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखने चलते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और उसके बारे में डेप्थ नॉलेज लेंगे कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हम लोग क्या क्या हमें आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कल से जो क्लासेस होंगी वो तो ऑटोकैड से अपनी जर्नी स्टार्ट होगी। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक्स अबाउट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग देखते हैं, फिर आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह रहेंगे यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस आल्सो। देखो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में क्या बोलते हैं, अगर आपका पैसन है तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो इसमें, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो थोड़े सारे स्ट्रक्चर्स का एक शॉर्ट वेबिनार रखेंगे और देखेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आता है, सबके दिमाग में आता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। मैं कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेता हूँ लोगों से व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तो लोगों के पास राइट आंसर्स नहीं होता। व्हाट डू दे डू, क्या उनका काम क्या होता है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर इंजीनियर ही बनने चल रहे हैं तो हमारा काम क्या है ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट डू दे डिज़ाइन, क्या वो डिज़ाइन करते हैं। आपको बता दूँ सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक पार्ट है, और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग भी बहुत बड़ी है उसका एक पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पूरा नहीं पढ़ते उसका एक पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, आप सबको पता है कि अपने सिविल डिपार्टमेंट के अंदर इंजीनियर जो होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, इसका पूरा काम होता है मैथमेटिक्स ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स ऑफ डिज़ाइन मतलब लोड, कितना लोड आ रहा है, कितना लोड रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी बीम पे कितनी लोड आ रही है, मैथमेटिक्स ऑफ डिज़ाइन इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। इसमें आर्किटेक्ट लोग भी काम करते हैं, स्ट्रक्चर में नहीं सिविल में। आर्किटेक्ट लोग का काम क्या होता है, वो विज़न देते हैं, वो एस्थेटिक लुक देते हैं, वो बोलते हैं मुझे कुछ ऐसा बनाना है, और एज ए इंजीनियर एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर हम उस चीज़ को पॉसिबल करते हैं। एक मेडिएटर होता है जो बोलता है कि ठीक है, दोनों पार्टी को कोलेब्रेशन करता है एक तरीके से, कंसल्टेंसी बोल सकते हैं उसको। और नो डाउट आप आर्किटेक्ट का आइडिया, आपका उसके आइडिया को प्रैक्टिकली प्रूफ करना, उसको सेल करने वाला सेल्समैन रहता है। तो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर ये मेन मेन प्रोफाइल्स हैं, इसमें से आर्किटेक्ट आपको विजन देगा भाई मुझे कुछ ऐसा बनाना है, इस तरीके का मॉल लगना चाहिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, तो उसको स्ट्रक्चर इंजीनियर जो अपने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से सॉल्व करेगा, और इन दोनों की मीटिंग करवाने वाला मेडिएटर है, और इसके आइडिया को सेल करने वाला, मार्केट में देखते हो आप और ढेर सारे बिल्डर्स काम करते हैं, तो आइडिया को सेल करने वाला सेल्समैन हो गया। व्हाट डू स्ट्रक्चर इंजीनियर्स डू, क्या करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर देखो क्या होता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का मेन तीन काम होता है। आपको एक ही पता है पर आज से याद रख लीजिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर का तीन काम है। पहला काम है कि वो कंसल्टेंट बनता है, एज ए स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बोलो या फिर स्ट्रक्चर डिजाइनर बोलो, टेक अ डिजाइन एंड फिट टू अ स्ट्रक्चरल सिस्टम टू दैट एक्सपर्ट विटनेस इन लॉ सूट्स। लॉ सूट्स मतलब कि वो एक विटनेस, एक गवाह बनता है कि ये बिल्डिंग्स सही तरीके से डिजाइन हुई है, ये बिल्डिंग कभी फेल नहीं करेगी। आप बोलोगे सर कैसे, तो वो एक NOC देता है। क्या जैसे हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट करके दिया, तो अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, आप एक ब्रांड है, तो आप बोलेंगे सर आप मुझे NOC दीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके साथ एक कुछ कंपनियाँ जो अच्छी कंपनियाँ हैं वो वारंटी कार्ड भी देती हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमने जैसा डिज़ाइन किया है अगर ऐसा बनाया गया तो कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितने साल के लिए हमने डिज़ाइन किया है उतने साल चलेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपर्ट विटनेस इन लॉ सूट्स। तो नियम के अनुसार हमें गवाह हो गए कि ये बिल्डिंग इतने साल तक चलेगी। दूसरी चीज टेक अ डिज़ाइन, हम डिज़ाइन करते हैं, फिट टू द स्ट्रक्चरल सिस्टम, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स के लिए वैलिड है कि हाँ इतना ही लोड आना चाहिए उसके हिसाब से। तो पहला काम हो गया हमारा डिज़ाइन करना एज अ कंसल्टेंट, ओके। दूसरा काम क्या होता है स्ट्रक्चर इंजीनियर का, दूसरा काम होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। हमने डिज़ाइन कर दिया, हम NOC ऐसे थोड़ी दे देंगे, कल को तुमने, हमने डिज़ाइन कर दिया M25 पर, तुमने बना दिया M15 पे, बिल्डिंग गिर गई तो मैं क्या जेल जाऊंगा, नहीं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं पहले इंस्पेक्शन करूंगा, लास्ट तक देखूंगा कि सब आपने मेरे अकॉर्डिंग किया, सारा फ्रेम मेरे अकॉर्डिंग किया, तब जाके मैं आपको NOC दूंगा। तो फील्ड पे जाके मुझे इंस्पेक्शन करना होता है, इंस्पेक्शन के हमें चार्जेस मिलते हैं कि भाई इतना आपको विजिट चार्ज मिलेगा 5,000-10,000। ओवरसीज द मटेरियल, ठीक है, हम मटेरियल को चेक करते हैं कि भाई कंक्रीट स्टील जो यूज कर रहे हो हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं। इंस्पेक्ट द बिल्डिंग्स, ठीक है, हम बिल्डिंग की जांच करते हैं प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है,
पहले हम देखेंगे क्या बनने वाला है, वो तो करेंगे ही करेंगे, बन गया चेक करेंगे, क्योंकि अब हमारी काम तो अभी स्टार्ट हुआ है ना एनओसी देने का, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एक काम आज आपको नया पता चला होगा इंस्पेक्शन का, वो पता भी होगा, एक कंसल्टेंट या फिर स्ट्रक्चर डिजाइनर जिसको बोलते हैं। तीसरा काम होता है डिमोलिशन के टाइम पे भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका बिल्डिंग गिर रहा है, कल को आपकी बिल्डिंग की वजह से किसी और की बिल्डिंग गिरी, तो याद रखना गवर्नमेंट का रूल है या फिर बोलो कि एक लॉ है कि जो दूसरे का हर्जाना होता है वो आपको करके देना पड़ेगा। इसलिए डीकंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी आपको एक स्ट्रक्चर इंजीनियर सामने वाले को रखना चाहिए, कोई भी हामी होने से पहले वो चेक कर लेगा कि हाँ इतना लोड गिरेगा अगर ज़मीन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के टाइम पे तो बहुत अच्छे अच्छे कटर्स आ गए हैं, वॉल कटर, कॉलम कटर लगाते हैं, कट जाता है, बट पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कई बार ऐसा होता था कि पड़ोसी की बिल्डिंग गिराने के चक्कर में पड़ोसी का गिर जाता था, तो ऐसा न हो इसलिए आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर भी लोग हायर करते हैं। उसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ स्पेन को भाई पॉसिबल नहीं है, उनके पास बैलेंस नहीं है, 5 साल 10 साल उनके लाइफ को बढ़ा सकते हैं क्या बिल्डिंग को, तो उसके अलावा इसके लिए रेट्रोफिट्स करवा सकते हो, तो रिपेयरिंग करवा सकते हो अपने कॉलम्स वगैरह की, जिससे 5-10 साल आपके लाइफ बढ़ जाए कॉलम्स की और आपका काम चल जाए। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर इंजीनियर का 3 काम है, कंसल्टेंट बनना, इंस्पेक्टर बनना, तीसरा डिमोलिशन के टाइम पर भी हेल्प करना, ठीक है। क्या डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर, व्हाट डू दे डिज़ाइन। देखो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने क्या किया, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, कहाँ कहाँ काम रहता है उसका, कंसल्टेंट बन के, इंस्पेक्टर बन के, और उसके बाद क्या बोलते हैं डिमोलिस के टाइम पे भी। लास्ट है व्हाट डू डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का वैसे तो डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा डोमेन है, पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखो, व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियर, अ सिस्टम डिजाइन टू रजिस्ट और सपोर्ट लोडिंग एंड डिसिपेट एनर्जी। ध्यान समझना, अ सिस्टम डिजाइन टू रजिस्ट, जिससे वो रजिस्ट कर पाए, झेल पाए, और सपोर्ट या फिर कह सकते हो कि हेल्प कर पाए कि हाँ इतना लोड आएगा हम झेल लेंगे, लोडिंग एंड डिसिपेट एनर्जी। बिल्डिंग हम लोग एक्चुअली तो इसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर में 2 मेन डोमेन है, पहला है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर हाउस, स्काइपर्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, एनी थिंग डिजाइन फॉर कंटिन्यू ह्यूमन ऑक्यूपेंसीज, ठीक है, इंसान के रहने के लिए कुछ भी डिज़ाइन हो बिल्डिंग का वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आएगा, हाई रेंज बिल्डिंग्स और छोटे छोटे घर, ये सब हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं और हमारी पूरी ट्रेनिंग्स इसी पर होने वाली है। तो क्या सर हम पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे, नहीं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए दूसरा डोमेन भी है नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसमें ब्रिज एक अलग इंडस्ट्री है, ठीक है, टनल एक अलग इंडस्ट्री है, डैम एक अलग इंडस्ट्री है, इसके लिए भी डिज़ाइनिंग होती है, पर ये हमारे डोमेन में नहीं रहेगा क्योंकि इसकी एक पूरी एक्सपर्टीज अलग होती है, इसके कोर्स अलग होते हैं। हम लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का पूरा डिटेल में 4 महीने पूरी यात्रा करने वाले हैं और डिटेल में सीखने वाले हैं। बिल्डिंग्स में कैसे कैसे बिल्डिंग्स हम लोग देखते हैं, तो देखो ऐसे कई ढेर सारी बिल्डिंग्स पास्ट में बनी हुई है, ये सब डिज़ाइन करना हमारा काम है। इसके अलावा हम एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर ब्रिज को, बहुत अच्छे अच्छे जो ब्रिज बने हुए, कैनल बने हुए, उन सबको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप बोलोगे सर मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर से ही क्यों डिज़ाइन करवाऊँ, क्या मैं तो कॉलम वगैरह को ऐसे अंदाज से भी रख सकता हूँ कि इतने बाई इतने का कॉलम रख दिया, तो क्या मतलब है स्ट्रक्चर इंजीनियर को रखने का। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को रखने का जो बेनिफिट है वो मिडिल में दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नीड टू कंसिडर क्यों रखना चाहिए स्ट्रक्चर इंजीनियर को। इफिशियंसी को दिमाग में हमेशा रखता है स्ट्रक्चर इंजीनियर कि क्या ये सही होगा, ठीक है। उसके अलावा वो देखता है इकोनॉमी को, क्या ये बजट फ्रेंडली होगा क्या, ठीक है। आपको अगर जहाँ पर 9x12 के कॉलम में काम हो रहा है, आप थंब रूल से जाओगे, हो सकता है 9x18 प्रोवाइड कर दो, तो आप इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। एलिगेंस को ध्यान रखते हुए नियम वगैरह को ध्यान रखता है और सबको ध्यान रख के मिडिल रिजल्ट निकालता है एज इंजीनियर, जो कि परफेक्ट डिज़ाइन सेप दे पाता है। इसलिए स्ट्रक्चर इंजीनियर को हर एक प्रोजेक्ट के लिए हायर करना चाहिए, जिससे कि उनका बजट भी बनेगा, ठीक है, रूल के हिसाब से प्रॉपर सही क्वालिटी में डिज़ाइन होगा, एक तरीके से बोल सकते हो इकोनॉमिकल बिल्डिंग्स अच्छे फॉर्म में डिज़ाइन होगी, जिसमें 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर। कौन कौन सा 5 चीज़, पहली चीज़ है स्ट्रेंथ, जिससे कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे स्ट्रक्चर इंजीनियर। दूसरी चीज़ है ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी से कोई भी गेम नहीं खेलना है, ड्यूरेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ड्यूरेबिलिटी मतलब लाइफ स्पैन की, इतने साल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आपका क्या बोलते हैं सर्विसबिलिटी,
हम ये ध्यान रखते हैं कि कॉलम से कॉलम ऐसे जगह रखा जाए कि सर्विस देने में प्रॉब्लम, पता चले बाथरूम के अंदर दो कॉलम आ गए, अब तो बाथरूम ही खत्म हो गया, तो बाथरूम किस काम का, तो हम सर्विसबिलिटी का भी ध्यान देते हैं। चौथी चीज़ हम बजट इकोनॉमी का ध्यान देते हैं। पाँचवीं चीज़ एस्थेटिक, आर्किटेक्ट ने जो एस्थेटिक डिज़ाइन किया है वो डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि बहुत अच्छा बना दिया, बीच बीच में 10 कॉलम हॉल में दे दिया, क्या मतलब है, ठीक है। तो हम एस्थेटिक पांच चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, जिससे कि हमारा डिज़ाइन बेहतर से बेहतर हो सके। इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर, अभी आज के टाइम पे आयरन के भी बहुत ढेर सारे बिजनेस बन रहे हैं, स्टील के बन रहे हैं, कंक्रीट के बन रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे बिल्डिंग्स भी डेली अपने बेसिस पे हाई राइज हो रही है, बिल्डिंग्स का फॉर्म बदल रहा है, ठीक है, कई ढेर सारे बिल्डिंग्स पहले भी और अभी भी नए नए स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे बिल्डिंग्स जो आप कॉमन डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी आप देखने को मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी होती है, उस पर भी काम करते हैं। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम थोड़ा सा कह सकते हो टफ टाइप का हो गया, पर जैसे जैसे समय बदलता है स्ट्रक्चर इंजीनियर, अभी आप लोग देखते होंगे एमटेक जो जो भी करेंगे या कर रहे हैं या किसी ने आपके फ्रेंड किया है, तो कुछ ना कुछ नए मटेरियल से ही कुछ बनाने का काम करते हैं, ठीक है। क्या नया नया मटेरियल हम लोग देखते हैं, अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, पहले जो हम लोग डिज़ाइन करते थे दिन में आयरन, पूरा सब काम लोहे का करते थे, ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी मैं स्टोरी मैं सुनाऊंगा, पूरा काम लोहे का करते थे। और लोहे के बाद हम लोग का आया क्या, लोहे के बाद आया हमारा क्या बोलते हैं स्टील और कंक्रीट, जिस पे अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, बट क्या बोलते हैं फ्यूचर में FRP आ जाएगा, फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, ठीक है, CNT आ जाएगा, UHPC आ जाएगा, मतलब अलग अलग नए मटेरियल भी हमको, क्योंकि देखो मार्केट में रहना है तो फ्यूचर को देखते हुए चलना पड़ेगा। तो फ्यूचर को देख के चलोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और तुम एक तरीके से आउटडेटेड नहीं होगे, नए नए टेक्नोलॉजी को सीखते रहोगे। तो देखो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सोसाइटी डिमांड्स और न्यू डिफिनेशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, लुक भी ध्यान देना है, ब्यूटी टेक्नोलॉजी भी ध्यान देना है और डिमांड भी समझना है। अगर इनको जो समझ के रखेगा एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, अभी आपको भले लगता हो कि यार कितना जॉब का प्रॉब्लम है, बिलीव करो आप कभी भी आउटडेटेड हो ही नहीं सकते हो। और स्ट्रक्चर इंजीनियर एक ऐसा डोमेन, इसमें पैसे वगैरह का तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, पैकेज के अलावा बहुत पैसा है इसके अंदर और पैकेज भी बहुत अच्छा है उनके लिए जो उस तरीके से अपने आप को डेवलप किए हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी पर अपडेट किए, जैसे आप ईडीएस पढ़ रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी है, आप डिमांड्स को समझ रहे हो मार्केट का, नया डिमांड ये है कि हाई राइज जाना है, अभी छोटे छोटे बिल्डिंग्स का डिमांड लेस हो रहा है, ठीक है, और ब्यूटी लुक का सबसे बड़ा ध्यान है। अभी देखो बुर्ज खलीफा का ही फोटो क्यों लगाया मैंने, दुनिया में इतनी बिल्डिंग्स हैं उनका क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लुक्स को ध्यान में रखा जाता है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या रखने चाहिए, वैसे तो इसकी एक लिस्ट है पूरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, मैं आपको शेयर करूँगा आगे के क्लासेस में, बस यहाँ थोड़ा सा मैंने रख लिया है आपके लिए कि हमें फोर्सेस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि फोर्सेस के हिसाब से भाई सीधे सीधे लैटरल फोर्स आता है, कभी भी आपका बिल्डिंग जो है वो ज़्यादातर लैटरल फोर्स की वजह से फेल होता है, न कि जो ऊपर से वर्टिकल फोर्स आने वाला है, क्योंकि वर्टिकल फोर्स तो हमें पता रहता है कि इतना किलोमीटर आएगा, चलो झेल लेगा, लैटरल में चेंजिंग्स होती रहती है, आज विंड थोड़ा स्लो आया था, कल विंड थोड़ा तेज आ गया, आज अर्थक्वेक थोड़ा स्लो आया था, कल बहुत तेज आ गया, तो लैटरल का कुछ पता नहीं रहता है, बट वर्टिकल में तो हमें पता है ना, घर में 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, बहुत बढ़ेंगे 30 बढ़ेंगे और कितना आएंगे, ठीक है, क्योंकि जगह ही उतनी है, तो हमें वर्टिकल में फेल होने के चांसेस कम रहते हैं कंपेयर टू आपके लैटरल। तो लैटरल का सबसे अच्छा वैसे डिज़ाइन तो होता है डायनेमिक के अंदर, हम बहुत डिटेल मीडिया में पढ़ेंगे डायनेमिक्स के बारे में, पर जो नॉर्मल डिज़ाइन करते हैं हम लोग छोटे छोटे घरों में स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे, पर जो लोड है उसी का पूरा स्टडी हमें करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ग्रेविटी लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, हम लोग जो लोड बनाते हैं डेड लाइव, इनके बारे में स्टडी करेंगे टेस्ट में स्टैंड में, ठीक है। अभी देखो मार्केट में अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स रखे हुए, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स हैं, जैसे कि टिम्बर है, मेसनरी है, कंक्रीट है, स्टील है, कंपोजिट है। सही तरीका तो ये है कि हमें स्ट्रक्चर्स के अंदर एक्सप्लोर करते हुए नए नए चीज़ों को पे एनालिसिस करना चाहिए। फिलहाल जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग ज़्यादातर काम कंक्रीट पर करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स स्टील पे करेंगे और एक दो प्रोजेक्ट हम लोग कंपोजिट्स पे भी करेंगे, क्योंकि मेजनरी पे ज़्यादा प्रोजेक्ट करने की, जो मेजनरी मतलब ब्रिक्स जो आपके पीछे बनती थी अब वो आउटडेटेड हो गई, और टिम्बर हमारे इंडिया में बहुत रेयर है कोई यूज़ करता है, तो
तो हम लोग इन तीनों पे ज़्यादा, और उसमें भी कंक्रीट पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, इसी की प्रॉपर्टी इसी। देखो स्ट्रक्चर इंजीनियर है क्या, स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है स्ट्रक्चर्स के बिहेवियर को समझना, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं उसमें क्या करते हैं, बिहेवियर समझते हैं ना। जैसे कि मुझे अगर सोम मौर्य के बारे में जानना है या फिर पवन के बारे में जानना है, तो सही तरीका क्या है, मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करके इनके बारे में जानना चाहिए। तो मैं इनके बारे में अगर जान गया तो मैं बता सकता हूँ कि शुभम ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर में। मतलब क्या हो गया, मैंने इनकी प्रॉपर्टी को जाना। तो हम लोग जो 4 महीने पढ़ने वाले हैं, एक कंक्रीट की प्रॉपर्टी के ही आगे पीछे घूमेंगे, ठीक है। बाकी कुछ अलग अलग चीज़ों को हम लोग समझेंगे उसमें, इलास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, हार्डनेस, डेंसिटी, स्ट्रेंथ, टफनेस, ये सब बहुत डिटेल में समझने वाले हैं क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, डेंसिटी के बारे में, हार्डनेस, ये सब हमारे फ्यूचर में रहेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ कंपनीज के लिस्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है। अभी ये सब आगे की चीज़ें जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको बहुत डिटेल में, जो हमें एग्जैक्टली आना चाहिए एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। वो तो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट तो भाई वही एक्चुअली एक तरीके से बोल तो हार्ड है। सॉफ्टवेयर में हमें ऑटोकैड, स्टैटो, आरसीडी, सीटेक, सेफ, मैनुअल और एक्सेल, आज के मार्केट के हिसाब से ये कहते ना नाव वाले सिचुएशन में ये आपको चाहिए ही चाहिए फ्यूचर में, और जो आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के नाम हमने दिए हैं, आप घर पर बैठ के पढ़ना। ये सब टॉपिक्स वैसे आपके ऑटोकैड के हैं जो हम लोग अभी ऑटोकैड के सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर इधर के जो टॉपिक्स हैं ये सब स्टैटू में पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं, सपोर्ट क्या होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स के बेसिक नॉलेज, शियर वॉल क्या होता है, थंब रूल क्या है कॉलम को डिज़ाइन करने का, कॉलम का डेप्थ, बीम का डेप्थ कितना रखा जाए, डिफ्लेक्शन कितना रखा जाए, डक्टिलिटी कितनी रखी जाए। ये मैं जस्ट समरी दे रहा हूँ कि इतनी चीज़ें हम लोग इसके डिटेल कोर्सेज में पढ़ने वाले हैं। डायनेमिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, आरसीडीसी में फाइल को कैसे इंपोर्ट करेंगे, ग्रिड कैसे बनाएंगे, पी डेल्टा एनालिसिस, डायनेमिक पुश ओवर एनालिसिस, ये सब कुछ, ठीक है। स्टील मेजनरी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, सारे फुटिंग्स, मैट, पाइल, और उसके बाद आइसोलेटेड, कंबाइंड, इनके बारे में पढ़ेंगे, फ्लैट स्लैब के बारे में पढ़ेंगे, आईएस कोड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये सब अपने आगे आने वाले टाइम में टॉपिक्स हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, जैसे एचआर की क्वेश्चन की तैयारी, के एचआर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेक्निकली ईटीएफ में, सेफ में, आरसीडीसी में, स्टैट में, ऑटोकैड में क्या पूछे जा सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा ब्रिटिश कोड के नाम जानेंगे कौन कौन से हैं, अमेरिकन कोड कौन कौन से हैं, मिक्स प्रोपोर्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, और आगे आने वाले सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, लिंक्डइन पर कैसे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, कैट टेस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी रखेंगे, एमसीक्यू टेस्ट में क्या पूछा जाता है वो पढ़ेंगे, और ये सारे आपके पूरे के पूरे कुछ मैंने कंपनीज ऐड कर रखे हैं। अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, जब आपका 2 महीना हो जाएगा तब मैं आपको बोलूँगा कि इन कंपनियों में जाके आपको इनके कैरियर्स में जाके कवर लेटर बताऊँगा अप्लाई करना है। तो देखो दिल्ली बिल्डकॉन है, जीआर इंफ्रा है, एक्को है, एचआर है, डार ग्रुप है, लेजेंटर, वो सबके पैकेजेस रखे हुए हैं यहाँ पर, गायत्री ग्रुप है, मेघा, मैंने सब लिस्ट बना रखे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको जस्ट इन कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट जाना हो, जाके फटाफट अप्लाई करके चले आओ। ये लगभग 250 से 300 कंपनियों की पूरी लिस्ट हमने बना रखी है आपके कम्फर्ट के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, किसी के 9 लाख पैकेज है, किसी के 2 लाख है, किसी के 2.5 लाख हैं, तो जो है सबके यहाँ पर प्रॉपर मैंने लिख रखे हैं, ठीक है जी। थैंक यू, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और वहाँ पर एक मटेरियल था, उस मटेरियल के बारे में बड़ा डिटेल में लिखा हुआ था, थोड़ा सा मैं बताऊँ। जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर्स पहले हम लोग करते थे ना, कि पहले स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर से ही सारा काम करते थे। तो एक्चुअली मैं आया कहाँ से स्टील स्ट्रक्चर्स, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। पहले जो सारा कंस्ट्रक्शन होता था वो होता था टिम्बर का, किसका होता था, टिम्बर का, ठीक है। टिम्बर से भी पहले बताता हूँ आपको, पता है दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कौन सी है, कोई बताना चाहेगा दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कौन सी है, एनी वन एनी आइडिया, मौर्य, मोनिका, जय, सिविल इंजीनियरिंग सर, सिविल इंजीनियरिंग, ओके ठीक है, और कोई सर, मिलिट्री इंजीनियरिंग, ओके, और कोई बताना चाहेगा, सिविल इंजीनियरिंग सर, मोहनजोदड़ो, ओके ठीक है, अच्छा और कोई बताना चाहिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग, ओके। देखो पहले हम लोग क्या रहते थे, पहले हम लोग रहते थे गुफाओं में, याद ही है, ठीक है। तो भाई देखो गुफाओं को आप सिविल इंजीनियरिंग का नाम नहीं दे सकते हो ना, तो एज पर विकिपीडिया, ठीक है, सबसे पहले सेफ्टी आया, क्या आया, गुफाओं से बाहर निकलने के बाद हमको क्या सेफ्टी चाहिए ना, ठीक है, इंसान तो उपद्रवी होता है, ठीक है, तो सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी के लिए जो सबसे पहला डोमेन है वो आया है मिलिट्री इंजीनियरिंग,
ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग्स जब आया तो मिलिट्री इंजीनियरिंग्स में औजार आए, ठीक है, बहुत ढेर सारे औजार आए। अब उन औजारों को एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाया जाए, ठीक है, तो वहाँ से इन्वेंशन होता है आपके सिविल इंजीनियरिंग्स का। सिविल इंजीनियरिंग्स में ये डिसाइड हुआ कि भाई एक रास्ता तो चाहिए, मान लो तुमने बहुत से औजार बना लिए, गोला बारूद बना लिया, तोप बना लिया, उनको लेके कैसे जाया जाए, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रास्ता चाहिए। तो रास्ता का निर्माण से स्टार्ट होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग्स। और रास्ते में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी कि बहुत ढेर सारे गोले बारूद हैं, तो अगर नाव से लेके जा रहे हैं तो नाव डूब सकती है, ठीक है भाई, लोड रहेगा उसका। तो वहाँ से इन्वेंशन हुआ कि अगर कोई लकड़ी का ब्रिज बना लिया जाए, वुड स्ट्रक्चर्स, लकड़ी का ब्रिज बना लिया जाए तो आराम से इस पार से उस पार चल सकते हैं ना। कुमार विश्वास की कविता नहीं, कुमार विश्वास की नहीं है, हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, इस पार प्रिय मधु है तो वो उस पार न जाने क्या होगा। तो मतलब इस पार से उस पार जाने के लिए आपको क्या बोलते हैं, बड़ी जरूरत एक ब्रिज की, जिस ब्रिज का निर्माण हुआ वुड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, और वहाँ से आपका सिविल इंजीनियरिंग इन्वेंट होता है। और फिर वुड स्ट्रक्चर्स में क्या होने लगा कुछ समय के बाद, वहाँ पर जैसे कि एक राजा को पता चल जाए कि दूसरे राजा आक्रमण कर रहा है, लकड़ी का ब्रिज बना रहा है, तो ब्रेक करवा देते थे, तो ब्रेक करवा देते थे तो सीधे सीधे आक्रमण हो ही नहीं सकता है, लड़ाई हो ही नहीं सकती है। या फिर किसी की किसी से दुश्मनी है, ठीक है, वो गया फटाफट बीच से काट के चला आया, वो बात की बात, वो भी डूबा तैर और के आ गया होगा। उसके बाद क्या इन्वेंशन हुआ, उसके बाद इन्वेंशन हुआ आपका आयरन का, मतलब लोहे का। ये हुआ कि पैसा खर्चा करेंगे बट जीत के आना है, तो फिर लोगों ने ब्रिज बनाने लगे। और उसके बाद वहाँ से इन्वेंट हुआ कि भाई ब्रिज पे कितना दिन करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत बिल्डिंग का भी एक्सपेंडिचर्स हुआ, बिल्डिंग्स के बारे में भी लोग जानने लगे। एक दिन ब्रीफ उसका भी बताऊँगा, अभी जैसे एक शॉर्ट समरी बता रहा हूँ। इसके बाद जब वहाँ पर हुआ तब पता चला कि स्टील बहुत कॉस्टली पड़ रहा था उस समय, तो ये हुआ कि इसका कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है क्या। तो अल्टरनेटिव के फॉर्म में ये हुआ कि पहले क्या होता था ना, पता होगा आपको, किले वगैरह जो बनते थे, किले वगैरह में सीमेंट्स नहीं यूज होते थे उन समय। पंचतत्व जो होती है ज़्यादातर जैसे कि रेह मिट्टी होती थी, मिट्टी की क्वालिटी होती है हल्की खुरदुरी होती है, जस्ट लाइक अ सैंड, वो मिट्टी यूज होती थी। हवन का कुछ सामान होता था जैसे कि जौ है, गुड़, जो आपने देखा हो गुड़ का जो रस होता था उसका जो खिंचाव होता है ना बहुत ज़्यादा होता है जब गुड़ प्रिपेयर होता है, वो सब मटेरियल मिला के किले बनते थे। तो ये हुआ कि क्यों ना इन सब को मिला के ट्राई किया जाए, किले के फॉर्म में आए, ठीक है, किसके फॉर्म में आए, किले के फॉर्म में जनरेट हो, और किला का जो मटेरियल था वो ब्रिज में लगाने लगे। तो अभी देखोगे कुछ ऐसे ब्रिज भी आपको मिलेंगे जिनका नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो RCC का है, ऊपर लोहे का, मतलब आयरन जो उनका पैटर्न था आयरन का, ऊपर से ब्रिज बना दिया, ठीक है। बहुत ढेर सारे ब्रिज ऐसे हमारे घर के पास भी ऐसे कई ढेर सारे ब्रिज जो अंग्रेजों ने भी बनाए थे। फिर बाद में इन्वेंट हुआ कि नहीं यार पूरा का पूरा कंक्रीट का करेंगे, और कंक्रीट का होते होते कंक्रीट भी कुछ दिन तक चला। अब उसके बाद फिर ब्रिज के इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो कंक्रीट भी आउटडेटेड हुआ, अभी सब प्रीकास्ट आ गया, बस क्रेन जाती है लगा के चली जाती है, हो सकता है आगे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये है कुछ इन्वेंशन की जर्नी अबाउट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग्स। ये आपको वादा दिलाता हूँ आप 4 महीने बहुत इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। मेरे कुछ ओल्ड स्टूडेंट हैं जैसे मोनिका है, शुभम है, ठीक है, अली है, सबको पता है कि 4 महीने हम लोग बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप कोई किसी को डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। फिर उसके बाद कल से हम लोग कंटिन्यू ऐप के ऊपर, मैं एक वीडियो भेजूंगा कैसे ऐप में आना है, किसी को दिक्कत रहेगा तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं खुद ऐड कर दूंगा, बहुत इजी प्रोसेस है। ऐप में कल से नोटिफिकेशन आएगा 9 बजे, आप जस्ट ज्वाइन करेंगे और स्टार्ट हो जाएगी क्लास। किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है ऑटो कैट का, या कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है पूछो। पवन कुछ बोलना चाह रहे, बोल बोल। सर अभी अपना स्टील का ज्यादा यूज होता है ना कॉन्क्रीट की जगह, हाई राइज बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में। स्टील मतलब तुम किस स्टील की बात कर रहे हो, ये जो मतलब स्टील स्ट्रक्चर का, हाई राइज बिल्डिंग में स्टील फ्रेम का, स्टील फ्रेम का, नहीं नहीं स्टील ब्रेसिंग्स यूज होती है जैसे बुर्ज खलीफा में, सर स्टील का ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, बुर्ज खलीफा एक अलग अल्टरनेटिव केस है, ठीक है। अगर आप G+10 G+15 बना रहे हो तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, ज्यादातर स्टील, इसके भी एक्चुअली डिटेल में पढ़ाऊंगा इसमें क्या रहता है। देखो जैसे कि तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर है, अब चलो इसे तुमने छेड़ दिया तो बता देते हैं। पहले क्या होता है कि जैसे कॉलम से कोई स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, ठीक है, तो मान लो कि कॉलम लगाए पड़े हो, कॉलम का साइज बढ़ाए पड़े हो, पास ही नहीं हो रहा है, तो दूसरा उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, शियर वॉल डालो, ठीक है। अब ऐसा भी एक केस आ जाता है जब बहुत हाई रेंज जाने लगो तो शियर वॉल से भी फेल हो जाता है स्ट्रक्चर, शियर वॉल से भी पास नहीं होता है। फिर तीसरा केस आता है कि इसके साथ ब्रेसिंग्स यूज करो स्टील स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, वो भी केस एक टाइम के बाद क्या होता है, फेल होने लगता है कि ब्रेसिंग्स भी नहीं आ रहा है।
चौथा केस होता है कि कोर टाइप स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते, एकदम पास पास कॉलम रखने पड़ते हैं। तो ये केस वैसे तो आएगा डिटेल में, इटेप्स में, ठीक है, पढ़ोगे, पर स्टील स्ट्रक्चर्स बहुत रेयर है कि सब में स्ट्रक्चर्स में यूज हो, जनरली कंक्रीट का कंक्रीट स्ट्रक्चर से ही डिजाइन करना प्रीफर करते हैं। और सर अपना ये इंडिया में तो हाई राइज बिल्डिंग इतनी यूज नहीं होती ना, लॉ के खिलाफ है ना, लॉ के खिलाफ नहीं, हॉरिजॉन्टल, हाँ बोलो बोलो बोलो, अपना हॉरिजॉन्टल वो डेवलप कर रहे हैं ना अपने इंडिया में, नहीं क्या होता है, ज्यादा दिन वर्टिकल, नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम कौन सी सिटी में रहते हो, अहमदाबाद, हाँ देखो क्या होता है, कुछ सिटीज के लिए रिस्ट्रिक्शन है जहाँ पर सिटी के अंदर एयरपोर्ट बन गए हैं, ठीक है, तो हजार्ड एरियाज जो होती हैं उनको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप G+3 के ऊपर नहीं जा सकते। जैसे कि अभी मैं बात करूँ चंडीगढ़ का, अब चंडीगढ़ का क्या हुआ कि एयरपोर्ट पहले ही बन चुका था, सिटी के अंदर बना हुआ है, तो वहाँ पर G+3 के ऊपर नहीं जा सकते हो। हमारा जो प्रयागराज इलाहाबाद है वहाँ पर G+3 के ऊपर नहीं जा सकते हो। अब मैं पुणे में जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ ये G+10 है, ठीक है, मेरे जस्ट बगल में एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है G+35, तो बनते हैं जो जो जगह क्या बोलते हैं, अभी तुम चंडीगढ़ के जस्ट बाहर जाओ, जीरकपुर में जाओ, गुड़गांव में जाओ, G+25, G+30 आराम से जाते हैं, मुंबई का तो बात ही अलग है, तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं बनते, कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शन है बस, लेकिन वो जगह बहुत लिमिटेड है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। और सर ये अपना जो अपने ये स्ट्रक्चर का बढ़ रहे वो नॉन बिल्डिंग में यूज होता है अपने, क्या नॉन बिल्डिंग में, रोड ब्रिजेस में, नहीं नहीं समझा, मतलब सर ये अपना जो लोड ना ये सब तो उनका नॉन बिल्डिंग में पूरा अलग ही आएगा लोड, अलग उनका पूरा अलग रहेगा, उनका पूरा कैसे रहेगा कि ब्रिज की बात करूं तो ब्रिज में मूविंग लोड का ज्यादा डिमांड रहता है, कितना मूविंग लोड आ रहा है, कितनी व्हीकल्स आ रही हैं, उन व्हीकल्स का मूविंग लोड कितना होगा, मूविंग लोड मतलब आप देखो अगर तुम डिजाइन करने लगोगे कि एक बिल्डिंग का वेट दो, जैसे मान लो मेरी बाइक है बुलेट है, अब बुलेट 2 क्विंटल की है, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि 2 क्विंटल अगर लेके चलोगे तो ब्रिज तो इतना उसको सेफ्टी देना पड़ेगा, तो जब बुलेट कभी भी अगर आप चलती रहेगी तो उसका लोड कम आता है, आता है, या कोई भी कार हो, ठीक, कार भी देखो जब चलती रहती है उसका लोड कम आता है, तो चलते हुए केस में मूविंग लोड में उनका क्या लोड आएगा वो चीज़ उस पर देखना पड़ता है। डिजाइन तो पर इसमें ही होगी ना स्टेड प्रो, और इसमें ज़्यादातर उसका CSI ब्रिज करके सॉफ्टवेयर होता है, सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल सॉफ्टवेयर मार्केट के लिए CSI ब्रिज है, मिडास है, कुछ प्रोजेक्ट्स स्टेट फ्लो के अंदर होते हैं, ETFs में नहीं होते, ETFs पर्टिकुलर, ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड 3-डाइमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम, अच्छा ठीक है, तो उसका नाम ही ऐसा है, ठीक है, ओके सर थैंक यू, चलेगा। गुलजार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या, आपका माइक ऑन है। Sir, my question is that I want to know, is there any instruction laid down in the relevant codes as to how many stories we can go for without providing earthquake load bearing? Right now, if I'll just talk about the rules, but if you want to go with rules, so there is a rules, compulsory rules, ki if you want to go for G+2 also, you need to consider earthquake static loads. ठीक है, अर्थक्वेक आपको कंसीडर ही करना पड़ेगा। हाँ, विंड के लिए है कि G+8 के ऊपर जा रहा है तब आप विंड कंसीडर करो, बट अर्थक्वेक गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग हर बिल्डिंग पे कंपलसरी है। पहले था कि G+3 के ऊपर जा रहा है तब करो, पर अभी सब पे रेगुलर कर दिया है। थैंक यू। ओके जी, ठीक है, जैसे जैसे क्या बोलते हैं मार्केट का डिमांड बढ़ता है अपने आप प्रिकॉशंस बदल जाते हैं। अजय कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ अजय बोलो। सर मेरा एक ये डाउट था, जैसे अपना क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, जस्ट इन केस कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसका रिकॉर्डेड सेक्शन हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उनके लिए जिनका अटेंडेंस 80% रहेगा, जिनका अटेंडेंस 80% नीचे रहेगा उनका रिलीज कर दिया जाता है। रीजन ये रहेगा ना अजय कि अगर मैं क्लास में आऊँ कोई प्रेजेंट ही नहीं है, बोलेगा मैं रिकॉर्डिंग करूँ, दो लोग आ रहे हैं, फिर मुझे मजा नहीं आएगा ना। नहीं सर, जस्ट इन केस जैसे कुछ काम हो गया, कभी कुछ हो गया, 20% हो गया ना, वो 20% आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड थिंग, हम इसमें हम अपना प्रीफैब स्ट्रक्चर का भी डिजाइन करेंगे। कौन सा प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर? नहीं, प्रीफैब, प्रीफैब जैसे स्टील का नहीं, आरसीसी, हार्डकोर या आरसीसी, तो पूरा आरसीसी, क्योंकि आरसीसी करने में 4 महीने नहीं होता, एक्चुअली 4.5 महीने चला जाता है, पर मैं 4.5 महीने इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि लोगों लग गया यार बड़ा टाइम लगेगा। क्या जैसे इसमें अभी आपने एक स्लाइड दिखाया था, उसमें डोम था, डोम स्ट्रक्चर था एक, अभी स्लाइड आप मूव कर रहे थे, तो वो तो अपना जैसे उसका रहता है, अपना स्टील स्ट्रक्चर रहता है उसमें? नहीं जरूरी नहीं है, डोम स्टील का भी रहता है, आरसीसी का भी रहता है। ठीक है, ओके सर, ठीक। उसका जो आरसीसी का फॉर्म रहता है उसका मैं एक्सेल शीट में दिखाता हूँ, जिससे मान लो तुम मस्जिद बना रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ मंदिरें भी ऐसी होती है जिनका डोम जैसा शेप रहता है, उनको कैसे करोगे, तो उनके लिए हम एक्सेल शीट प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कैसे कैसे कंसीडर करना है।
ओके सर, ठीक है। चलो किसी और कुछ बोलना है? और किसी कुछ नहीं पूछना? हाँ बोलो सर अपना। हेलो हेलो। हाँ जी बोलो आसिफ सर, बोलो। वो पूछ सर वो पूछ रहे थे कि जैसे कि अभी आप सिलेबस दिखा रहे थे सर, इसमें रैबिट आर्किटेक्चर और रैबिट वो भी है, स्ट्रक्चर वो ऐड भी नहीं है, वो था, भी है, वो भी वो तो मतलब भी सिलेबस का पार्ट है ना। वो भी है, ठीक है, वो सिलेबस के पार्ट और है, बट ये मैंने ये एक बोला कि चीज स्ट्रक्चर इंजीनियर को क्या क्या आना चाहिए, ये लिस्ट था वो, ठीक है, वो इसमें है, ओके ठीक सर, है। सर ये कम्युनिकेशंस का क्लासेस सर चलेगी डेली ना? कम्युनिकेशन की क्लास इवनिंग में डेली चलेगी, मंडे टू फ्राइडे, उसका एक अलग ग्रुप है, मैं आगे बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, चलेगा। सर और एक हेलो। बात, जैसे कि सर एक दिन यूट्यूब में हाँ बोल, वो बोल दो एक एक हेलो करके। हाँ चलो चलो कंटिन्यू। सर, जैसे कि सर यूट्यूब में एक दिन बोले थे कि मतलब देख रहे थे कि टेस्ट ले रहे थे मतलब कुछ टाइमर लगा करके बीम वालों का, तो सर वैसे अपना भी वैसे ही होगा ना? और अपना भी ऐसे होगा, एक बिल्डिंग मिलेगी, टाइम लॉक मिलेगा, उस टाइम में तुमको मेल करना पड़ेगा, फिर जितने मिनट जल्दी मेल करो उतना ज़्यादा मार्क्स रहता है, उसके बेस पे वो रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है। ओके अब सर, जो बीम का है सो स्ट्रक्चर्स का है, बस सॉफ्टवेयर अपने चेंज हो जाते हैं, बस इतना फर्क है, ठीक है। चलो सर अपना क्लासेस का क्या रहेगा? अपना मतलब 7 डेज रहेगा, 6 डेज मंडे रहेगा, टू, फाइव मंडे डेज टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे क्या बोलते हैं, एवरी डे रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, पवन कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ पवन बोलो। सर अपना फ्यूचर में स्टील स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होगा कंक्रीट वाला? देखो स्टील स्ट्रक्चर जो है ना, स्टील स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, मैंने तो एडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज ये है कि रिपेयरिंग बहुत मांगता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है उसको बनाने में। अगर तुम स्टील का घर बनाओगे तो पता नहीं कब कोरोजन लग जाए भाई, हर महीने बारिश होने वाली है इंडिया में, ठीक है, मतलब जो 3 से 4 महीने एंटी कोरोजन पेंट लगाते बैठोगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोल्ट यूज करोगे तो बोल्ट का भी कैसे है कि घर में मूविंग लोड ज़्यादा आता रहता है ना, चल रहे हो, ठीक है, बोल्ट धीरे धीरे ढीले होने लगेंगे, ठीक है, फिर तुम बोल्ट चेंज करोगे, तो इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है स्टील स्ट्रक्चर्स में वो ज़्यादा है, ठीक है। अभी जैसे कि क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो सेड हैं उनको देखो, स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं क्यों, इसका रीज़न बताता हूँ। अभी जब तुमने बोला है तो, क्योंकि हम पीवी भी पढ़ाते हैं, तुमको पता है पीवी बारे में, स्टील स्ट्रक्चर को बनाने का सबसे बड़ा कारण रहता है लॉन्गर स्पैन। स्टील स्ट्रक्चर में बहुत लॉन्गर जा सकते हो एज कम्पेयर टू आरसीसी। आरसीसी में 25.6 फीट, इससे ज़्यादा का कॉलम देना रिस्की हो जाता है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। पर स्टील में जहाँ पर जैसे अभी मैं क्या बोलते हैं, आप देखते हो ना एयरक्राफ्ट हैंगर्स वगैरह बनते हैं, जहाँ पर शिप्स वगैरह आपकी रुकती है, जहाज वगैरह रुकती है ना, एयरक्राफ्ट हैंगर्स का जो एक स्पैन होता है 100 फीट 150 फीट तक का होता है, और तुम 150 फीट मतलब 150 फीट के बीच में कोई कॉलम नहीं रहेगा, लेकिन ये चीज़ तुम आरसीसी में नहीं कर सकते हो। तो स्टील को बनाना मजबूरी है क्योंकि उसमें लॉन्गर स्पैन तक जा सकते हो, अदरवाइज स्टील लोड इकोनॉमिकल ज्यादा उसमें लेता होगा ना? लोड भी ज़्यादा लेता है। अब देखो तुम जितने भी तुम रेलवे के काम देखोगे, ठीक है, सब तुमको ज़्यादा ज़्यादा स्टील के दिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब देखो सीधी सीधी बात है कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, अब प्लेटफॉर्म के बीच में तो कॉलम नहीं डाल सकते है ना, तो जहाँ पर लॉन्गर स्पैन की ज़रूरत होती है और जहाँ पर बजट का इशू नहीं होता है, सिर्फ वहीं पर आरसीसी जा, वहीं पर स्टील जाता है, जहाँ पर इको फ्रेंडली और इकोनॉमी बेस देखा जाएगा, तो वो वहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आरसीसी। तो रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल के लिए तो हमेशा के लिए आरसीसी ही रहने वाला है, ठीक है, चलेगा। और किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछो। प्रति सॉरी मैं तुम्हारा नाम पहले सही से, प्रतिराज, प्रतिराज कुछ बोलना है क्या? हेलो हेलो हाँ प्रतिराज सर, बोलो ना। हम सर ज्यादातर प्रोजेक्ट स्टैक में करेंगे या सैड प्रो में? ज्यादातर प्रोजेक्ट स्टैड में करेंगे कि टैब में करेंगे ऐसा? हाँ ज़्यादातर हम लोग जितना स्टैड में करेंगे उतना ही टाइप में करेंगे, फिक्स है। मैंने एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से पूछा था कि क्या आप कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ करते हो, तो उन्होंने बोला कि हम ज़्यादातर ई टैब प्रेफर करते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो उनकी कंपनी का है ना, हम अपने ट्रेनिंग का बता रहे हैं। देखो कैसे होता है, जैसे कि इन दोनों सॉफ्टवेयर को मार्केट में परचेस करना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूँ ई टैब्स का, तो ई टैब्स का प्राइस लगभग इसमें 2.5 लाख रुपये चल रहा है, ठीक है, स्टैड का प्राइस 1.5 लाख चल रहा है। तो मेरे कंपनी में अगर मैंने स्टैड या फिर ई टैब में से क्यों लेके खरीदूंगा ना, क्योंकि देखो 10 इम्प्लॉई हैं, ठीक है, अब 10 इम्प्लॉय के लिए खरीदना है अगर मुझे 2.5 लाख का सॉफ्टवेयर, तो मेरे को 25 लाख रुपये डालना है ना। अब 25 लाख डालने के बाद सीधी सीधी बात है कि अभी मेरे को एक प्रोजेक्ट आया था पीईबी पे, ठीक है,
अब उसके लिए मैंने मार्केट पता मतलब पता तो है मुझे, मैंने कॉल किया कि भाई मुझे एक टेक्ला का पीवी वाला सॉफ्टवेयर चाहिए पीवी प्लगइन के साथ, तो मार्केट रेट है 5 लाख रुपए उसका, 5 लाख रुपए। प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 70,000 रुपए। मैंने कहा यार मैं 70,000 रुपए कमाने के लिए अगर 5 लाख डाल रहा हूँ, अगला प्रोजेक्ट कब आएगा पता नहीं है, और ये एक साल बाद अपडेट करने के लिए बोलेंगे, एक साल बाद उनका रिन्यूअल चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर कंपनी हमेशा, मैं स्टैड और ईटैब दोनों क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि किसी कंपनी के पास स्टैड होगा, किसी के पास ईटैब होगा, जिसने जो खरीद रखा है उसी पर काम करेगा वो, समझ गए। तो और सर मैन बोलो सर मैनुअल डिजाइन का कैसे रहेगा? मैनुअल डिजाइन क्रॉस चेक करने के लिए होता है, मैनुअल डिजाइन आज के टाइम में इंडस्ट्री करती नहीं है, क्रॉस चेक करती है, ठीक है। मैंने साथ तुमको फोन पे बताया था क्या, ठीक है। क्रॉस चेक इन द सेंस कि अगर सपोज बीम में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बीम है जिसमें मांग रहा है कि 20 mm के 8 बार डालो, ज़्यादा ही नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है कि एक्सेल शीट पे चेक कर लिया, फिर भी आपको लग रहा है फिर भी ज़्यादा मांग रहा है, चलो इसको मैनुअल देख के आते हैं कितना हो जाएगा। लोड डाला, चेक किया, मैनुअल पता चला 20 के 6 डालना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से कभी कभी कॉम्प्लेक्स केस आते हैं, तो जिसको मैनुअल कॉन्सेप्ट पता है, देखो अगर मैनुअल कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सीधी सीधी बात है, मैं बताऊंगा 1080 ASTE आ रहा है, अब तुम मैं तुमको बोला 1080 क्या बोलते हैं ASTE आ रहा है, अब तुम बार डाल दो कॉलम में, तुम सोचोगे सर कितने का बार डालूँ 1080 का मतलब, तो मैं बोलूँगा अगर तुमने मैनुअल पढ़ा होता तो एरिया फोन बार्स पता चलता, सपोज 12 mm का बार है तो एक बार का एरिया कितना हुआ, लगभग 113 mm square। अच्छा जी, तो 113 mm square, तो 1080 डिवाइड बाई 1013 लगभग 10 बार के आसपास मोटा मोटा मान के चलो इतने बार्स लगने वाले हैं। ये किसको पता चला, तो ये मैनुअल से ASTE पता था, मैनुअल से एरिया बार्स पता था, समझ गए, इसलिए जानना पड़ता है मैनुअल। हेलो, हाँ जी बोलो सर, जैसे अपना आपने सॉफ्टवेयर की बात करी, जैसे ई टैब वगैरह हो गया, तो ये तो हमें बड़े स्केल में चाहिए होता है, जैसे कि अगर हमारी बड़ी बिल्डिंग है या बड़ी कंपनी है, तो छोटे स्केल में भी हमें उसको परचेस करना पड़ेगा? कोई भी कंपनी हो, अगर तुम कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एज पर रूल्स आपको हर कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहिए। तो सर लगभग कॉस्टिंग क्या आती है सर इनकी, जैसे स्टैट प्रो हो गया या 1.5 लाख पर ईयर या परचेस? परचेस का रिन्यूएबल चार्ज कम होता है, ये ईयर का है, मतलब एक बार ले लिया इतने का, इसके बाद रिन्यूअल करने का कुछ चार्जेस रहते हैं उनके, जैसे कि ऑटोडेस्क का है 20,000 के आसपास है, जैसे कि रेबिट है 1,80,000 का, ऑटोकैड है 1,50,000 का है, और उसके बाद इनके रिन्यूअल को 10 या 12,000 ऐसे रहता है। तो सर जैसे अगर हम जस्ट इनकी परचेज करके नहीं करें और फिर हम काम करें तो MNCs तुम्हारा प्रोजेक्ट प्रीफर ही नहीं करेंगी, और छोटे प्रोजेक्ट्स छोटी कंपनियों को मैटर नहीं करता। अच्छा, जैसे छोटे मोटे इंडिविजुअल स्केल में अंदर लास्ट स्केल पे नहीं कर रहे हैं, तो अपना चल जाता है। ओके ठीक, थैंक यू। MNCs सीधे लिख के देती हैं अनिट सॉफ्टवेयर सीन दैट, क्योंकि देखो क्या होता है कि MNCs का कैसे उनका टर्नओवर है करोड़ों में, है ना, और अगर उनके ऊपर कोई एलिगेंस लगा दिया, ठीक है, इसके लिए मानहानि का मुकदमा हो जाता है ना, अगर क्या बोलते हैं एलिगेंस लगा दिया, सपोज ऑटोडेस्क कंपनी ने लगा दिया, तो 3-4 करोड़ के फाइन लगा देते हैं, 3-4 करोड़ के फाइन। अब सीधी सीधी बात है, 4 करोड़ डालने से अच्छा है कि हम 1.5 लाख रुपये ना डाल दें, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, मैं ही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड किया, किसी ने मेरा वीडियो लेक्चर ले लिया, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसके ऊपर एलिगेंस लगा सकता हूँ, और क्या बोलते हैं, अगर उसने सपोज यूट्यूब पर डालने की कोशिश किया तो मैं कॉपीराइट लगा सकता हूँ, ठीक है। इवन कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूँ, मैंने लॉ की स्टडी भी की हुई है, तो कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा है कि मैं ऑब्जेक्शंस भी डाल सकता हूँ इनके खिलाफ, मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है जी। और कोई बताना कुछ, किसी को कोई दिन में क्वेश्चन है तो बता दो, ठीक है, आज इंट्रोडक्शन है। हेलो, यस मोनिका बोलो सर, ये हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट और अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट क्या होते हैं? ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मतलब कि हम जैसे कि अभी तुमने FE 500 पता ही होगा तुमको, ठीक है, FE 550 पता होगा तुमको, है ना। अब उसके बाद कंक्रीट का दूसरा, सॉरी स्टील का दूसरा क्या परफॉर्मेंस आया, दूसरा परफॉर्मेंस ये आया कि अभी 500D आ गया मार्केट में, सुना होगा 500D मतलब डक्टाइल। उसके बाद अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, 500SD, 500D मतलब 500 डक्टाइल स्टील, ठीक है, 500SD मतलब सुपर डक्टाइल स्टील। तो मैं वो पावर कार्बन का परसेंटेज बढ़ता जाता है, कार्बन का परसेंटेज बढ़ा दिया तो ये बढ़ गया। ऐसे ही कंक्रीट में भी हाई परफॉर्मिंग कंक्रीट
जितना ज़्यादा क्वालिटी का कंक्रीट यूज करोगे उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उसमें सीमेंट का जो रेशियो यूज करोगे वो हाई ग्रेड का यूज करोगे, तो उस तरीके से उसमें होता है। मतलब कम मटेरियल में ज़्यादा स्ट्रेंथ पाना है तो क्या तरीका है, सीधी सीधी बात है, हम केवल 4 ही बार डालना चाह रहे हैं कंक्रीट का, सॉरी स्टील का, तो हम 16 बार डाल दो 12 की जगह पर, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगा ना इसमें, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती बढ़ाती है, यस परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। चलो ठीक है जी, होप आपको मजा आया होगा, थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मेरा यही मानना है कि डेली अगर हमारे दिमाग में कुछ नया जाता है, ठीक है, बिलीव करो धीरे धीरे ग्रो होता चला जाता है, पता नहीं चलता है तो पीछे मुड़ के देखते अच्छा इतना हो गया, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ दिन पहले बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसमें ऐसे हुआ कि स्टार्टिंग में लगा एक बुक, फिर बाद में पीछे देखा तो मेरी 7-8 बुक्स खत्म हो गई थी। हाँ प्रतिराज बोलो। हाँ मोनिका बोल दो पहले तुम्हें सर। सर इसमें इसके डिजाइन मिक्स वगैरह भी करते हैं इस पे, मतलब डिजाइन मिक्स के लिए एक मिक्स प्रोपोर्शन की कंपनी होती है, ठीक है। और जैसे कि एडमिक्सचर सुना होगा तुमने ना, एडमिक्सचर सुना है तुमने, मेटामोल्किन, ठीक है, और सिलिकॉन्स, ये सब ऐड करके मिक्स प्रोपोर्शन की कंपनीज होती है। जब हाई रेंज बिल्डिंग्स हम बनाते हैं तो हमें एडमिक्सचर की कंपनी से कंसल्टेंट करना पड़ता है, हमारा एक स्टूडेंट उसी में काम करता है, तो वहाँ की कंपनी आएगी आपके मटेरियल की टेस्टिंग करेगी, इन्वायरमेंट का टेस्टिंग करेगी कि किस वेदर में आप बना रहे हो, उसके हिसाब से वो क्या बोलते हैं प्रपोजल तैयार करेंगे। प्रपोजल तैयार करके वो बोलेंगे ये एडमिक्सचर्स अगर आप डालते हैं, जैसे कि कई जगहों पे रिटार्डर डालना पड़ता है, रिटार्डर मतलब धीरे धीरे सेटिंग टाइम बढ़े इसकी, कई जगहों पे एक्सेलरेटर, जैसे मान लो बर्फ़ पड़ने वाली है, अभी गुलजार जी कश्मीर से है तो कश्मीर में अगर बर्फ़ पड़ने वाली है, बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो जल्दी से एक्सेलरेट कर ले, जल्दी से पकड़ ले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेटर डालना पड़ेगा, ढेर सारे केमिकल्स आते हैं अपने मटेरियल, जैसे तुमने डॉक्टर फिजिक देखा है ना, वो भी एक तरीके से एडमिक्सचर्स ही है, ठीक है। तो ऐसे ही एडमिक्सचर्स की कंपनीज होती हैं, वो बताती है कि हमें इतना कंक्रीट यूज करना चाहिए, इतना ही यूज करना चाहिए। सर जैसे अपना आप कुछ रेफरेंस भी देंगे, जैसे आपको ये वाली बुक के साथ जाना है या इस हाँ, उसके साथ जाना है, बुक का मैनिफेस्ट होगा, बाकी मेरे नोट्स तो ऐसे काफी सफिशिएंट होते हैं, उतना ही पढ़ने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हें और एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं दे दूंगा, पढ़ो और अच्छी बात। एक सर आपने बुक सजेस्ट करी थी इलस्ट्रेटेड डिजाइन ऑफ जीपीएस 3 बिल्डिंग, एकदम बेस्ट बुक है, तो सर वो भी आएगी हमारा इसमें, जो मैनुअल कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ वैसे तो उसी से रिलेटेड है मेरी स्टडी जो हुई है, मेरे एक सीनियर थे जो कि बहुत बड़े स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, तो उन्होंने मुझे वो बुक रिफर किया था, तो मैंने वहाँ से पढ़ के ही स्टडी किया है मैनुअल का, ठीक है। तो तुम्हारा मन करे तो मेरा नोट्स तो वैसे काफ़ी है, बट और एक्स्ट्रा नॉलेज, सीधी सीधी बात है कि बुक तो इतनी मोटी है, मैं तो 2-4 स्लाइड्स में उसको फिनिश करूंगा, तो समरी करूंगा मैं, तुम्हें डिटेल में पढ़ना तो बेस्ट बुक है। ओके, और सर जैसे बीच बीच में आप किसी अदर मतलब किसी के साथ मीट भी करवाएंगे, जैसे फॉर द नॉलेज मतलब किसी और स्ट्रक्चर इंजीनियर से मीट हो गया बीच बीच में अपना, जैसे गेस्ट लेक्चर सॉर्ट ऑफ, गेस्ट नहीं ऐसा तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस वो काफ़ी हो जाता है आपके लिए, और क्या बोलते हैं आपको अगर किसी से चाहिए होगा तो हमारे पास तो पूरा लिस्ट ही है इंजीनियर्स की, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हमने किया नहीं क्योंकि मतलब अभी इंडस्ट्री में जो पूछेंगे, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ बिलीव करो उसके बाहर से तो पूछेंगे ही नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जस्ट कॉन्फिडेंस नहीं सर, मैं नहीं नहीं मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं था, मेरा कहने का मतलब जैसे हम नए लोग से इंटरेक्ट करते हैं तो थोड़ा नया एक अपने को एक्सपीरियंस मिलता है, थोड़ा पता चलता है हमें कि क्या हो रहा है क्या मार्केट में, ऐसा कुछ ट्राई करेंगे अगर तुम कह रहे हो तो नया आइडिया है, ठीक है। जनरली ऐसा तब होता है जैसे कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे कहीं जाना है तो मुझे 3-4 दिन के लिए मैं गैप पे जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको बताने भूल गया कि मेरे भाई की मैरिज है तो मुझे 1 वीक के लिए जाना पड़ेगा 24 से, तो ऐसे केसेस में लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं किसी और को साइन कर देता हूँ, तब तक वो कुछ अपना नॉलेज शेयर कर देंगे, अच्छी चीज़ है, कोई बुरी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा लोग करते हैं, पर मेरे केस में ऐसा अभी तो नहीं हुआ है, ठीक है। विल ट्राई समथिंग, और क्या बोलते हैं, मैं आपको पहले से बता कर रख रहा हूँ क्योंकि एक गैप बनेगा हमारा, बस वही एक हमारा लास्ट गैप होगा, उसके बाद तो कंटिन्यू चलेंगे, तो 24 को मेरे भाई का मैरिज है, तो 24 से लगभग मान के चलो मोटा मोटा 1 तारीख तक, मतलब 4-5 दिन तक हम लोग का ऑफ रहेगा, लेकिन इतना टास्क देके जाऊंगा कि आपको ऑफ का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर जैसे हमारा क्लास चल रहा है, हमारा सपोज हमारा एक लेक्चर पूरा हुआ, करेक्ट, तो आप सेम डे में आप हमको नोट्स प्रोवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, या नोट्स आप पहले प्रोवाइड कर देंगे इसको पढ़ के हम लेक्चर लें? 10-15 मिनट पहले ही आ जाता है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो, इसमें कुछ वो रहता नहीं है क्योंकि बिली ऐसा रहता है ना कि अभी तुमको पता चलेगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो दिमाग में सेट हो जाएगा,
ठीक है, जनरली मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 15-20 मिनट पहले ही नोट्स कि भाई पढ़ कर, पढ़ के रखने के लिए नहीं, जस्ट रखे रहो अपने पास, क्लास में सफिशियंट हो जाता है। प्रैक्टिस जो मैं दूँ, प्रैक्टिस को डेली कर लो बस इतना ही, अभी तुम देखोगे प्रैक्टिस करते करते खुद ही बोलोगे सर कितना प्रैक्टिस करूँ। इसमें एक एक्सेल सीट बनानी पड़ती है कि किस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, वो पूरी एक्सेल सीट आपको फॉर्मेट दूंगा कल जब क्लास हो जाएगी, उसके बाद एक एक्सेल सीट मेंटेन करना पड़ेगा आपको कि मुझे मैंने इस क्लास में ये पढ़ा है, ठीक है, ऐसे करके पूरी लिस्ट बन जाएगी, बाद में उस लिस्ट को देखोगे तो खुद ही लगेगा यार सब तो पढ़ लिया क्या बचा है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो मौर्या जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ मौर्या बोलो। सर ये पूछना था कि कोई एज मिलेगा मेरे को, लाइक मैं अभी बिम में हूँ, तो इसका कोई एज होगा लाइक स्ट्रक्चर में करता हूँ तो? बहुत ज़्यादा होगा मौर्या, अभी एक अपना क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तुमने देखा होगा उसका स्टेटस अमन अमन करके सिद्दीकी, अमन सिद्दीकी, ठीक है, वो क्या किया वो उसको स्ट्रक्चर्स का अच्छा नॉलेज था, ठीक है, उसने लगभग 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस था स्ट्रक्चर्स में, उसके बाद उसने बीम का इंटर्नशिप किया, अभी उसका जो पैकेज है वो क्या बोलते हैं 9 लाख का है ऑन द बिहाफ ऑफ बोथ नॉलेज, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो सीधी सीधी बात है कि आज का टाइम जो मार्केट है, मार्केट गति एक बंदे से अगर ज़्यादा काम हो जाए, देखो अगर सीधी सीधी बात है, मान लो मैं यूनिक सिविंग फर्म चला रहा हूँ, महीने में 3 प्रोजेक्ट आ रहा है, अब मैं उसके लिए एक आर्किटेक्ट हायर करूँ अलग से, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर अलग से, एक सिविल इंजीनियर अलग से, तो एक तो महीने में 3 प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, सारा प्रॉफिट तो इनके बीच में चला गया। इन 3 प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए सुमन मौर्या सफिशियंट है, क्योंकि प्लानिंग भी कर लेंगे, मॉडलिंग भी कर लेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कर लेंगे, तो मेरा पहला चॉइस किसको होना चाहिए? हाँ सर, मेरी कंपनी में है ऐसे लोग, और कंपनी इनको रिटेन करती है, बार बार रिटेन करती है। अब मैं तुमको बताता हूँ, रिटेन से याद आया कि मेरे पास खुद ही एक क्या बोलते हैं स्टाफ है, ठीक है, जो 2-3 काम में एक्सपर्ट है, ठीक है, एचआर का भी काम हैंडल कर लेती है, ठीक है, और कॉलिंग का भी काम हैंडल कर लेती है, और साथ ही साथ उसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए दे दिया तो पीडीएफ वगैरह भी बना देती है, हमारा हेल्प हो जाता है। तो मतलब अब मैंने उसको क्या किया, उसकी सैलरी मैंने हायर किया था उसको पार्ट टाइम में 5,000 रुपये से, अभी उसकी सैलरी 22,000 रुपये है, ठीक है, क्यों है? क्योंकि 10 लोगों को समझाना हैटिक होता है, प्लस हाँ सर ये 4 लोग ही समझ सकते हैं, हाँ ठीक है, तो अभी क्या होता है डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट किया कहाँ कहाँ तक पहुँचा, अब वैसे 20 लोग को हायर कर लो, उनसे पूछते पूछते अपना टाइम बर्बाद हो जाए, मेन टाइम है हमारे लिए, है ना, तो इसलिए फायदा मिलता है हमारे। और प्लस देखो कभी भी पता नहीं क्यों लेकिन सभी लोग गलत सेंस मत लेना इसको, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिससे मैं थोड़ी सी नफरत करता हूँ, सिस्टम क्या बनाता है हमारा सिस्टम, ठीक है, नहीं मतलब इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स, हमें इतना मेहनत करके ये बताया जाता है कि आईआईटी में जाओ उसके बाद अच्छी जॉब मिलेगी, यही बोलते हैं ना हमें, एनआईटी में जाओ अच्छी जॉब, ठीक है, ये साइकोलॉजी ही है कि इस चीज में जाओगे तो इसके बाद तुम नौकर अच्छे बनोगे, इसके जगह पे ये क्यों नहीं बोलते कि इस चीज से पढ़ाई करो, फिर इस कंपनी में जाके लर्निंग लो, फिर खुद का कुछ करो, ठीक है, किसी को ऑफिस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि जैसे कभी मैं एक लोग से मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि परसों ही गया था, तो उनसे जैसे डिस्कस हो रहा था, अभी देखो क्लास खत्म हो गई है, जिसको जाना होगा जा सकते हो, जैसे अभी मौर्य ने बोल दिया तो अपने छोटे भाई से है तो मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे जस्ट बताया, पूछा कि क्या बोलते हैं आप अपना काम कर रहे हो, इससे पहले आप जॉब करते थे तो आप कितने साल जॉब, मैंने बोला 6 साल मैंने जॉब किया था, तो बोलते कि मज़ा किस में ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको बुरा तो नहीं फील कराना चाहता हूँ, 10 हो गया है, तो क्या बोलते इतने मैंने उन्होंने इतने खुश हो, मैंने बोला हाँ मैं क्या बोलते हैं वो उनका सेंस था हैप्पीनेस कितना ज़्यादा है, मैंने बोला 10, तो उन्होंने बोला कि यार लेकिन एक प्रॉब्लम होती है इसमें, तुम्हें खुद से सोचना पड़ता होगा, जो काफ़ी सीनियर थे मेरे से वो, तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली सच बताओ तो इसी में तो मज़ा आता है, तो बोलते कि मतलब कि उन्होंने बोला कि नहीं यार हम लोग को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें कोई काम दे दिया जाए हम करके दे दें हमको क्या बोलते हैं, नहीं तो मैंने कहा सबका अपना अलग अलग स्किल है, हमें तो इसी चीज़ में मज़ा आता है कि प्लानिंग भी हमने किया कि ऐसा करना है और एग्जीक्यूशन भी हम ही करवा रहे हैं, तो मौर्य क्या होता है कि हमें तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ स्पेशली आज से ही बता रहा हूँ कि सीखो, कंपनी में जॉब करो, ठीक है, और जॉब करके काम को सीखो और सीख के खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ये सबसे अच्छा टेक्निक है मौर्य पैसे कमाने का प्लस लाइफ, ये अल्टीमेटली मेरा गोल ही है ये सर, यही होना चाहिए, ठीक है। मैंने ये चीज को सोचा था कि मैं 3 साल में एग्जीक्यूट कर लूंगा, पर मैंने 3 साल में नहीं कर पाया अपने लाइफ स्पैन में, तो मुझे क्योंकि ऑफकोर्स तुम लोगों को तो पता है मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल वीक था, तो फिर मैंने 6 साल लगाए, ठीक है, और 6 साल के बाद मैंने ये चीज़ को अचीव किया, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा
जाओ, मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास भी काम किया है, बीम वाले के पास भी काम किया, मेरा सेंस ही माइंड पहले से ही बना हुआ था कि मुझे सबके पास काम करके सबका काम सीखना है और सीखने के बाद फिर खुद का करना है। और दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था, पर ये मेरा जो माइंड सेट था ये शायद अच्छा मुझे रिजल्ट दे रहा है। पृथ्वीराज कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हेलो सर, हाँ पृथ्वीराज बोलो। सर पिछले बैच का स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मतलब कोई प्लेस हुआ? बहुत से प्लेस हो रहे, डेली ही प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें डिपेंड होता है पृथ्वीराज की, अगर आप 80% अटेंडेंस, मैं आज बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, 80% अटेंडेंस जो होती है वो सबके बस का नहीं होता है। मौर्या के बैच में, अभी मौर्या तुम बताओ कि लास्ट में कितने लोग बचे थे, कंसिस्टेंसी जो जिसकी ब्रेक हो गई थी उसके बाद? सर हम लोग तो स्टार्ट हुआ था अप्रोक्स 13-14 लोग थे, पूरे हाँ 15 थे, पूरे पूरी बैच फुल थी फुल शायद। थी। और फिर सीन क्या हुआ था, जाते जाते 7 या 8 8 बजे थे। हाँ, और सच्चाई ये बता दो कि सारे बच्चे लवल लवल प्लेस हो चुके हैं, हाँ सभी प्लेस हो चुके हैं, सभी प्लेस हो जो चुके चले हैं, गए तो वो भी प्लेस हो चुके हैं। वही प्लेस हो चुके हैं। तो जिसने 3 महीना भी कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि प्लेस होने का मेन रीजन क्या है ना, इसमें कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी हाँ सर, चीज ये होती तो बहुत सही चीज है, कंसिस्टेंसी तो बहुत मैटर करती है, आप प्रैक्टिस कितना करते हो। हाँ। तो अभी हमने मैच में नया चीज मैं ऐड टूल कर टेस्ट दिया भी है। बोल रहा सर, बहुत टूल टेस्ट दिया है ना मैंने इधर। और सर यहाँ पे तो ऑफर तो बहुत आ रहा है सर, लेकिन क्या है ना, मेरे को जगह नहीं पसंद, तो मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ सर, इसलिए मैं क्विट कर सर। नहीं, जहाँ कंफर्टेबल हो वहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो एट द लास्ट हमारा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस सर, उससे देखो उसकी कीमत जो है ना, अभी मेरी माता जी ने मुझे बोला कि उनका दांत एक खराब हुआ था, तो उन्होंने बोला, उन्होंने कि ये बोल रहे हैं कि रूट कैनाल करने से, पता नहीं क्या होता है रूट कैनाल, उसे करने से दांत सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर मैं सोच रही हूँ दांत निकलवा दें। मैंने उनको बोला इस दांत का जो प्राइस है बहुत महंगा है, रूट कैनाल सस्ता है, ठीक है रूट कैनाल पे पैसे खर्च करो, दांत बचाओ, है ना? और सच्चाई भी यही है, नहीं ये दांत कहाँ से लेके आ पाओगे? ठीक है, सर तो ये सब फिर वापस तो नहीं आ पाएगा वैसे। हेल्थ इज मोस्ट जब फाइल इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो आसिम, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो बोलो, ऑर्डिनरी फैक्ट बताओ तुम कुछ। ठीक है, प्रवन पवन कुछ बोलना चाह रहे हो? और सर अपने ये जो जो मेंटालिटी है जो रिलेटिव्स की, नो लोग की, सिविल इंजीनियरिंग में मतलब आईटी वाले सब अच्छी जॉब करते हैं अच्छे पैकेज में, और सिविल इंजीनियरिंग वाले मतलब उनको सिर्फ 10,000 8,000, ऐसे ही मेंटालिटी। क्या होता है, पहली बात तो ये कि सही लोकेशन पे हम पहुंच नहीं पाते। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम सही लोकेशन पे पहुंच नहीं पाते, पहली चीज कि एग्जैक्टली कहाँ पर काम करना है। दूसरी चीज, अपने डोमेन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, अपने डोमेन में नॉन सिविल इंजीनियर या फिर नॉन एजुकेटेड पर्सन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आज के टाइम पे। अभी ये वीडियो से यूट्यूब पे जाएगा, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, मैक्सिमम जो बिल्डर्स हैं, ठीक है, देखोगे वो या तो अंगूठा छाप होंगे और या फिर हाई स्कूल इंटर किए होंगे, ये चीज तुमको देखने को मिलेगा। तो उनका माइंडसेट जो है वो रहता ही नहीं है सैलरी देने वाला, ठीक है, इसलिए इसमें पैसे कमाने का थोड़ा टेक्निक अलग है, आगे बताऊंगा। और ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि सिविल इंजीनियरिंग से ज़्यादा पैसा कहीं पर है ही नहीं, बस वो तो तरीकों को आपको अपनाना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दिया, सीखो और सीख के बाद कुछ बड़ा करो, और बड़ा करोगे ना तो इन लोगों की दुकान बंद होगी, क्योंकि जो पढ़ के आए हुए हैं उनका एक अलग लेवल रहता है, उनका एक अलग ओहदा होता है। वो तो सर आप सीखाना। हाँ मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। हाँ मौर्या कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, भाई ने आईटी की बात की, तो सर ऐसा नहीं कि आईटी का फील्ड तो लाइक हम लोग भी कोडिंग का सीन यूज करते हैं इधर, डायनेमो में यूज होता है सर, पाइथन यूज होता है, सी भी यूज होता है एपीआई लैंग्वेज, एपीआई यूज होता तो है। हाँ एपीआई के लिए। और सर ये इसमें बहुत फ्यूचर फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप टाइम कितना दे रहे हो इन सब चीजों को, आप सीख कितना रहे हो। सीखने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन हम हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हम क्या कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। मुझे इससे एक चीज याद आ गई, एक वही अहमदाबाद का एक बंदा है, ठीक है, अहमदाबाद वाले बहुत अच्छा बिजनेसमैन होते हैं, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। तो हाँ सर उसका पूरे सेल्स, गुजरात में। उसका सेल्स जो था 3 करोड़ रुपए सेल्स था उसका, नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का आसपास था। एक शो आता है शार्क टैंक, देखा होगा शायद तुम लोगों ने, तो उसमें था। तो उसके उस शार्क टैंक वालों ने बोला कि तुम इतना अच्छा एसईओ करते कैसे हो, तुम इतना अच्छा सेल करते कैसे हो, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेबसाइट से वो 3 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट सेल कर देते थे वो। तो उसने बोला सर जितना मेरा ट्रैवलिंग का बजट होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है बिजनेस में, जितना मेरा ट्रैवलिंग का बजट होता है उतना मैं अपने एजुकेशन का बजट रखता हूँ, मतलब मैं डेली पढ़ता हूँ और उसको पढ़ पढ़ के एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरा सेल्स इंक्रीज हुआ है। तो उससे हम सीखने को मिलना, हमें सीखना चाहिए कि
कि अभी क्या बोलते हैं कि हमको ग्रो करने के लिए सीखना पड़ेगा, ये सबसे अच्छा तरीका है। और जो सीखेगा वो बहुत कुछ आगे एक्सप्लोर कर सकता है, जैसे मौर्य ने बोला API है, बहुत सी चीज़ें हैं, सी है, पाइथन है, आप भी अपने इंडस्ट्री के अंदर यूज कर लो, ठीक है। बताऊंगा आगे, हम लोग बहुत डिटेल में यात्रा होने वाली है हमारी 4 महीने की। बस एक चीज़ का मैं आपको विशेष ध्यान दिला दूँ अभी से कि क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि क्लासेस मिस करने पर ना मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। सीधी सीधी बात है कि मैं बोलूँ और कोई सुनने वाला ना हो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो बहुत पैशन के साथ, आपको पता होगा शायद पवन को या फिर कुछ लोगों को मैंने बोला कि कुछ लोग बोला कि सर टाइम मैच की वजह से बच्चे नहीं आ, मतलब कोई बच्चे ना भीम में तो जगह ही नहीं है, ठीक है। रीज़न बताता हूँ, वो इवनिंग में है और ये मॉर्निंग में है। तो मैंने क्या बोलते, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर वो दोनों क्लास को मर्ज कर दीजिए, मैंने कहा नहीं, हमारे क्लास में अगर दो बच्चों ने भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इस गुरुकुल को ज्वाइन किया है तो हम दो बच्चों को 4 महीने तक पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा कंटिन्यू पढ़ाएंगे। हम चाहते तो ऐसे कर सकते नहीं, नहीं करेंगे, पर नहीं, जिन्होंने भरोसा किया है उनको फुल उतना ही एनर्जी के साथ 4 महीने यात्रा कराएंगे और होप आपको बहुत मजा आएगा। चलिए इसी के साथ विराम करते हैं इस चीज़ को। कल से हम लोग ऑटो कैट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ऑटो कैट की जर्नी कल से स्टार्ट होगी। जस्ट लास्ट में वही चीज़ बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी गुरुकुल का सबसे बड़ा बेनिफिट वही है, और वो अगर नहीं है तो मतलब नहीं है इसमें पैसे इन्वेस्ट करने का, सीधे सीधे लोग वीडियो कोर्स से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका फायदा कंसिस्टेंसी और मेरी गाइडेंस। चलो कल मिलते हैं 9 o'clock पे, आपको नोटिफिकेशन आएगा ऐप पर। अभी कैसे ऐड होना है मैं आधे घंटे में आपको बता देता हूँ। कुछ बोलना चाह रहे हो पवन? नहीं सर। ओके, कोई और कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी बोलो सर। मैं तो अभी बीटेक लास्ट ईयर में हूँ, तो मेरा क्लास कभी कभी होता है सर। अब तुमने बताया अभी मुझे, तो तुमने मुझे बताया है, मैं तुम्हारे लिए सोल्यूशन सोच चुका हूँ, मैं तुमको बता दूंगा क्या करना है। तुम्हारा केस तो मुझे पता है ना, जिसका नहीं पता उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके सर। ओके जी।